Hi you guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Kirti Agarwal and I upload videos on fashion, beauty and lifestyle twice a week. So stay updated for that. और updated रहने के लिए इस channel को subscribe करके उसका bell icon जरूर दबा देना ताकि जब जब मेरा नया video आए you will get a notification. And आज का setup देख के आप समझ ही गए होंगे that this video is going to be a winter outfit, winter wardrobe essentials, winter lookbook sort of a video. इसमें मैं आपको कुछ outfits बताऊंगी जो आप सभी बहुत आसानी से recreate कर सकते हो, बहुत आसानी सबको यूज करना बिकॉज मैंने बहुत नॉर्मल और बहुत बेसिक पीसेस लिए इन सब आउटफिट्स को बनाने के लिए ताकि हम सब इजीली बना सके ये सारे आउटफिट्स. एंड विदाउट ब्लैबरिंग एनी फर्दर आई थिंक वी शुड गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो द फर्स्ट आउटफिट इज द वन व्हिच आई एम वेयरिंग टुडे. तो इस आउटफिट में क्या है कि मैंने एक प्लेन व्हाइट स्वेटर लिया है, चंकी निट स्वेटर. आप चाहो तो व्हाइट टर्टल नेक भी ले सकते हो इसकी जगह, बट मुझे चंकी निट स्वेटर ज्यादा पसंद है बिकॉज दे आर इवन मोर वार्म. और उसके साथ मैंने ये पैंट्स लिए है. तो इन पैंट्स के अंदर ब्लू और व्हाइट के हिंट्स है, तो ब्लू और व्हाइट चेक से इसलिए मैंने व्हाइट कलर का टर्टल नेक लिया है इसके अंदर. अगर आपके पास और कोई चेकर्ड पैंट्स हो जिसके अंदर कोई और कलर हो तो आप उस कलर का टर्टल नेक या फिर निट स्वेटर ले सकते हैं. सो दीज आर द पैंट्स व्हिच आई एम वेयरिंग. दिस स्वेटर इज वेरी ओल्ड वन फ्रॉम शीइन. द पैंट्स आर फ्रॉम ज़ारा. इसका हॉल या तो आ चुका होगा अभी तक या फिर आने वाला होगा बहुत ही जल्दी. एंड दिस फ्लैट्स आर फ्रॉम SSS. व्हाइट कलर के फ्लैट्स हैं ब्रेडेड वाले, 333 रुपीज के अंदर. अमेजिंग डील, ट्रस्ट मी. सो दिस इज माई होल लुक. Let's move on to the next outfit. Okay, second outfit. तो मैंने पहले वाले आउटफिट को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करा है इसके अंदर. मैंने व्हाइट वाला चंकी निट स्वेटर सेम रहने दिया और मैंने ब्लैक कलर के पैंट्स डाल लिए. आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय अ लेदर पैंट्स जस्ट बिकॉज ये ट्रेंड के अंदर है. आई एम सेइंग आप कोई भी ब्लैक कलर के प्लेन पैंट्स ले सकते हो. अगर आपके पास पैंट्स नहीं है आप जीन्स में भी जा सकते हो ब्लैक कलर के, जो वाइड लेग हो बहुत अच्छी लगती है. मैंने सेम व्हाइट वाले फ्लैट्स रखे हैं जैसा कि आप देख सकते हो. एंड मैंने एक ब्लैक कलर का बैग कैरी कराया है जस्ट बिकॉज मेरे जो पैंट्स है वो ब्लैक है. तो इस आउटफिट को मैंने फुल व्हाइट एंड ब्लैक वाले टोन्स में रखा है. द फ्लैट्स एंड द स्वेटर आर ऑफ व्हाइट कलर एंड द पैंट्स एंड द बैग आर ऑफ ब्लैक कलर. और एक्सेसरीज मैंने अभी भी सेम ही रखी है जो मैंने पहले वाले आउटफिट के अंदर पहन रखी थी. ऑलवेज गो फॉर गोल्ड और न्यूट्रल टोन की एक्सेसरीज बिकॉज वो सभी आउटफिट्स के अंदर चली जाती है. तो आपने देखा एक व्हाइट कलर का चंकी निट स्वेटर कितना ज्यादा वर्सेटाइल पीस है आपके विंटर वार्डरोब के लिए. ओके, सो लेट मी टेल यू अ हैक. आपने देखा होगा कि हम हमारे टर्टल नेक्स को ना ऐसे बाहर की तरफ फोल्ड करते हैं ऐसा, राइट? बट दिस मेक्स आर नेक लुक सो बल्की. तो मैं आपको एक हैक बताती हूँ. और ये वाला जो बाहर वाला फोल्ड है ना ये बार बार खुलता भी रहता है. तो मैं आपको एक हैक बताती हूँ. इंस्टेड ऑफ फोल्डिंग इट आउटवर्ड्स ना आप अपने टर्टल नेक्स को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करो. ये बल्कि भी नहीं लगेगा और बार बार खुलेगा भी नहीं. बार बार क्या, बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला है. मैंने हैक इंस्टाग्राम पे देखा था थोड़े दिन पहले और तब से ट्रस्ट मी मैं मेरे सारे टर्टल नेक्स को ना हमेशा अंदर की तरफ फोल्ड करती हूँ ना कि बाहर की तरफ. एंड सेकेंड हैक इज ये जो स्वेटर है ना ये मुझे बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा लाइक यहाँ तक का लंबा है. तो मैं इसको मेरी ब्रा के अंदर या फिर जो भी आपने क्रॉप टॉप वगैरह पहना है उसके अंदर आप टक कर लो इसके एंड्स को और फिर आपका जो स्वेटर है ना बहुत शॉर्ट हो जाएगा. और अगर आप यहाँ अपने पैंट्स में टक करोगे ना ज़्यादा लंबे स्वेटर को तो वो बहुत बहुत बल्कि लुक देते हैं ऑन द टमी एरिया. तो मैंने इसको ऐसे टक कराया है. आप चाहो तो नॉर्मली ऐसे भी रख सकते हो. वो वाला फर्स्ट वर्जन था, ये सेकंड वर्जन है. सेकंड वर्जन के अंदर आई थिंक इसमें वेस्ट को सिंच करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. सो आई गो एंड गेट अ बेल्ट फॉर मी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीन्स वाले बेल्ट. आप ऑफकोर्स वो भी यूज कर सकते हो बट आई एम टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ बेल्ट जो कि वेस्ट को सिंच कर लेते हैं और जो एक स्टेटमेंट पीस एड करते हैं आपके पूरे आउटफिट के अंदर. ओके, नाउ लुक, कुछ एक्सेसरीज ऐड करने की वजह से मेरा जो लुक है वो कितना ज्यादा पुट टुगेदर लग रहा है और कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है. ओके
ओके नेक्स्ट आउटफिट विद अगेन ब्लैक वाले पैंट्स. तो आपके पास एक अगर ब्लैक कलर के पैंट्स है ना तो आप इतनी सारी आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हो ड्यूरिंग विंटर्स. तो मैंने इससे पहले व्हाइट कलर का स्वेटर लिया, उससे पहले ब्राउन कलर का स्वेटर लिया. आप ब्लैक पे ब्लैक पहन सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है. और मैं आप जैसा ये शर्ट पहन रही हूँ ना, वैसे आप इस पर व्हाइट कलर का शर्ट पहन सकते हो, ब्राउन कलर का शर्ट पहन सकते हो, जैसा भी आपको शर्ट मिलता है ना वैसा पहन सकते हो. तो मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस दिखा रही हूँ कि आप कैसे कैसे अपने आउटफिट्स को क्रिएट कर सकते हो. So for next outfit, I am wearing this very basic, very plain, creamish sort of a sweater जिसके अंदर यहाँ पे frill वाली डिटेलिंग है. मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप सिमिलर ऐसा कुछ देखो, बट अगर आपके पास कोई भी लाइट कलर का स्वेटर है या फिर इवन ब्राउन भी है, या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई लाइट कलर का टैंक टॉप है और ब्राउन कलर का स्वेटशर्ट है, आप वो भी डाल सकते हो. बिकॉज ब्राउन कलर की जीन्स अभी इतनी ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है, एंड आई डेफिनेटली थिंक यू शुड गेट वन, बिकॉज ब्राउन ब्लैक के साथ जाता है, ब्राउन के साथ जाता है, क्रीम के साथ जाता है, व्हाइट के साथ जाता है, और भी बहुत सारे कलर्स के साथ जाते हैं लिटरली. सो ब्राउन जीन्स इज अ काइंड ऑफ मस्ट पीस आजकल वुडरोब के अंदर. एंड मैंने इस पर न्यूड कलर के फ्लैट्स पहने हैं. मैं न्यूड कलर की हील्स पहनी थी, बट इतनी अच्छी नहीं लग रही थी बिकॉज दिस वॉज मोर ऑफ लाइक यू नो कैजुअल सॉर्ट ऑफ अ लुक. तो मैंने इसमें न्यूड कलर के फ्लैट्स पहन लिए. ओके सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट, आप सब लोग मुझसे पूछते रहते हो कि मैं मेरी स्किन को, मेरे हेयर को, मेरी बॉडी को एकदम अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या करती हूँ. सो यू नो व्हाट, हम जो वेजिटेरियंस होते हैं ना, उनकी डाइट के अंदर ओमेगा 3 ना के बराबर होता है. लाइक कुछ नट्स के अंदर होता है, एक शिया सीड्स के अंदर होता है, और उसमें भी इतना कम अमाउंट के अंदर होता है कि मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कम ओमेगा 3 का अमाउंट मिलता है हमारी बॉडी के अंदर. एंड दैट टू अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हो तो भी आपका ओमेगा 3 का जो अमाउंट है आपकी बॉडी के अंदर वो बहुत कम मिलेगा. एंड ओनली एंड ओनली सी फूड के अंदर ओमेगा 3 अच्छे अमाउंट के अंदर होता है, इसलिए हमें ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं. एंड ओमेगा 3 जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन का बिल्डअप बहुत अच्छे से बूस्ट करता है. एंड उसके अलावा हमारी जो स्किन है उसको इलास्टिसिटी देता है, हमारे हेयर को स्मूथ रखता है, शाइनी रखता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग रखता है. एंड मैं एंड विद ओमेगा 3 के जो कैप्सूल्स हैं ना वो डेली कंज्यूम करती हूँ. लाइक आई हैव अ प्रूफ, क्योंकि मेरे पास इसके दो दो डब्बे हैं, एक ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, 4-5 बचे हैं. एंड दिस इज द न्यू बॉक्स जो मैंने खरीदा अभी रिसेंटली. सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. तो ये जो ओमेगा 3 है ना, इसके अंदर फिश ऑयल होता है, कुछ होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है, तो हमें बाहर से कंज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं होती है. बट कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, और उनमें से एक आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बाहर से कंज्यूम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एंड विद ओमेगा 3 की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसके अंदर जो स्मेल होती है ना, जो बाकी ओमेगा 3 के अंदर आती है, वो बिल्कुल भी गंदी नहीं है. बिकॉज मैंने एक और ब्रांड का ओमेगा 3 इससे पहले ट्राई कर रखा है, बिकॉज मैं तो बहुत रेगुलरली कंज्यूम करती हूँ, और उसकी जो स्मेल थी ना वो इतनी ज़्यादा गंदी थी. बट इसकी जो स्मेल है ना वो इतनी माइल्ड है, इतनी माइल्ड है कि आपको पता ही नहीं चलेगा जब आप इसे यूज़ करोगे, कंज्यूम करोगे. एंड दिस इज वन कैप्सूल, अच्छा खासा बड़ा है ये कैप्सूल, आप देख सकते हो. तो इसका डेली कंजम्पशन सिर्फ सिंगल कैप्सूल आपको लेना है रोज. मैं तो रोज एक ही कैप्सूल लेती हूँ, एंड मैं लेती हूँ यूजुअली जब मैं रात को सोने वाली होती हूँ उससे पहले. तो ये जो एक कैप्सूल है ना, ये सिर्फ आप कंज्यूम तो कर ही सकते हो डेफिनेटली, पर अगर आपको लगता है ना आपकी स्किन के ऊपर कहीं कहीं पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, ड्राई पैचेस बहुत ज्यादा है, बहुत ऐसा आपको लग रहा है कि रिंकल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप इस कैप्सूल को फोड़ के इसका जो ऑयल है ना वो निकाल के अप्लाई भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहता है आपकी स्किन के लिए. बट मैं इसे कंज्यूम करना पसंद करती हूँ. आपको ये जो कैप्सूल है ना, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन मिल जाएगा, और उसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स पे है. मैं उन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर दूंगी, आप डेफिनेटली ट्राई करना. गर्मियों के कपड़े सर्दियों में यूज करने का सबसे अच्छा हैक ये है कि आपका कोई भी अगर स्कर्ट या शॉर्ट्स हो जो बहुत छोटा हो, मिनी स्कर्ट हो या फिर शॉर्ट्स हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर आप कोई भी ऑपोजिट, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें ब्लैक एंड व्हाइट है, तो मैं इसमें व्हाइट भी डाल सकती थी, बट मुझे ब्लैक ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो उसमें कोई भी मैचिंग सा सॉर्ट ऑफ या फिर एकदम कंट्रास्ट सॉर्ट ऑफ टर्टल नेक पहन लो, और उसके ऊपर एक कोई अच्छा सा मैचिंग सा ओवरकोट डाल लो, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक लग रहा है. अगर आपको ज्यादा ठंडी लग रही हो तो आप इसे बंद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर. बट स्टिल दिस इज लुकिंग वेरी नाइस, बिकॉज ऊपर मैं बहुत ज्यादा वार्म हूँ और नीचे भी थोड़ा बहुत कवर हो रहा है इससे, तो आई एम क्वाइट वार्म. एंड इसके अंदर मैंने एक्सेसरीज चेंज कर लिए. मैंने इसके अंदर ये मेरा ईविल आई वाला फेवरेट ब्रेसलेट पहन लिया है, रिंग्स आर सेम, इयररिंग्स आर सेम. एंड मैं इसके अंदर ना एक नेकलेस भी ऐड कर लेती हूँ. सो दिस इज़ माई कम्प्लीट लुक. और इसके अंदर मैंने व्हाइट कलर के शूज़ ऐड करे हैं. मैं चाहती तो इसके अंदर बूट्स भी ऐड कर सकती थी. एंड आई मीन व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई बूट्स दिस टाइम.
यस बूट्स के साथ और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये आउटफिट। तो आप इसमें चाहो तो ना नी हाई बूट्स भी ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा, अगर आपने शॉर्ट्स पहने हैं ना तो आपके यहाँ तक के पैर फिर से गर्म रहेंगे, लाइक नी से भी ऊपर तक के पैर आपके बहुत गर्म रहने वाले हैं। दैट्स अ ग्रेट हैक, बट मुझे नी हाई बूट्स बहुत कम पसंद है। एंड सेकेंडली मेरी मोटी मोटी काफ्स के ऊपर वो आते ही नहीं है, सो आई वेंट फॉर नॉर्मल साइज के चेल्सी बूट्स। ओके आउटफिट डिटेल्स टाइम, तो मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ भी अवेलेबल मिलेगा, बट आई एम रियली सॉरी बिकॉज ये सारे के सारे बहुत टाइम पुराने लिए हुए हैं। बूट्स मैंने ज़ारा से लिए थे, ओवरकोट भी मैंने ज़ारा से लिया था 3 महीने पहले, शॉर्ट्स मैंने ज़ारा से ली थे 5-6 महीने पहले, और टर्टलनेक मैंने शीन से ली थी बहुत पहले। तो मैं इनके सिमिलर जो लिंक्स हैं आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी के मेंशन कर दूंगी सारे आउटफिट्स के। ओके तो अगर आपके पास चेकर्ड शॉर्ट्स या स्कर्ट ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास एक ब्लैक कलर का स्कर्ट या शॉर्ट्स तो होगा ही, और अगर वो भी नहीं तो आप एक क्या कर सकते हो, आप ब्लैक कलर के पैंट्स पहन सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये ब्लैक वाले लेदर पैंट्स है ना जो मैंने पहले वाले आउटफिट के अंदर बताए थे, आप वैसा कुछ प्लेन ब्लैक जीन्स भी डाल सकते हो इवन अगर आपके पास पैंट्स भी नहीं है तो ऑल ब्लैक जो लुक होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। लाइक लुक एट दिस लुक, कितना सुंदर लग रहा है। इसके अंदर मैंने ब्लैक कलर का स्कर्ट डाला है, मतलब ये पीछे से शॉर्ट्स है और आगे से इसमें एक फ्लैप है जिसे स्कर्ट का लुक दे रहा है। एंड टर्टल नेक वही है, कोट वही है, बूट्स वही पहले वाले हैं, ऑल ब्लैक लुक है एंड दिस लुक्स सो नाइस। आई मीन अगर आप ब्लैक के बहुत बड़े फैन हो जस्ट लाइक मी, यू गॉट टू ट्राई दिस लुक फॉर वंस एटलीस्ट इन योर लाइफ। सो दिस इज द नेक्स्ट आउटफिट, एंड ये जैकेट मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज दिस इज सो 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 वॉर्म। इसके अंदर यहाँ पे ना क्या कहते हैं इस मटीरियल को, फर वाला जो मटीरियल होता है ना विच इज़ वेरी थिक वेरी वॉर्म, नॉट फर लाइक वट डू वी से दैट आई डोंट नो, सो दिस मटीरियल इज देयर एंड ये लेदर जैकेट है वैसे तो। एंड आई गॉट दिस फ्रॉम ज़ारा फ्रॉम मेन्स सेक्शन, आई नो थोड़ा सा वियर्ड है बट बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, सो आई गॉट इट। तो मैंने इसके अंदर एक ब्लैक कलर का टैंक टॉप पहना है और मैंने इसके नीचे ना एक ब्लू कलर के डेनिम्स पहनी है, लाइट ब्लू कलर की। आप चाहो तो इसके अंदर चारकोल ग्रे कलर के पैंट्स है ना वो भी पहन सकते हो, वो बहुत सुंदर लगते हैं, बट मेरे वाले धुलने गए हुए हैं शायद, तो मैंने इसमें ब्लू वाले पैंट्स पहन लिए एंड दे आर लुकिंग सुपर सुपर नाइस। एंड वाइट कलर के शूज बिकॉज वाइट गोज विथ एवरीथिंग एंड एनीथिंग। सो दिस वॉज द लास्ट आउटफिट इन आवर विंटर लुक बुक वीडियो, विंटर लुक बुक कलेक्शन या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो लाइक विंटर अप्रोप्रिएट आउटफिट्स, जो कि बहुत बेसिक पीसेज है पर मैंने उनको बहुत अलग अलग तरीके से स्टाइल करके दिखाया है ताकि आप भी अपने बेसिक पीसेज को ना अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सको। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड एन्जॉयड वॉचिंग इट। एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बॉक्स कि आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा था। मेरा तो स्पेशली द ब्राउन एंड ब्लैक वन, मेरा वो वाला फेवरेट आउटफिट था। आप मुझे आपका फेवरेट आउटफिट बताना इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।